ASTR-2B जिसके बारे में आप लोग कई दिनों से सुन रहे हैं हमारे चैनल पे, फाइनली आपके रिटर्न डैशबोर्ड पे अवेलेबल हो गया है। कौन से मंथ में आया है ये? फाइनेंशियल ईयर 2021 का जुलाई अगर आप ओपन करेंगे और सर्च करेंगे, वहां से GSTR-2B अवेलेबल हुई है। पीछे के पीरियड्स में ये अभी अवेलेबल नहीं हुई है। और इसके लिए कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियली इशू नहीं की गई, ना ही ये बताया गया है कि कब से ये एप्लीकेबल होगी। अभी यहाँ अवेलेबल तो हो गई है, इसका जो डेटा है वो 3B में जाना है, तो कब से ऑटो पॉपुलेट होके 3B की टेबल नंबर 4 में जाएगा, ऐसा भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। बट हमारे सामने पोर्टल पे GSTR-2B अवेलेबल हो गया है और आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कैसा है ये 2B का फॉर्म। वैसे मैंने इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दी थी, बट अब ये पोर्टल पे लाइव आ गया है, तो चलिए क्विकली देखते हैं क्या है 2B में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि GST में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारी वीडियो शेयर जरूर करते रहिए। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं 2B क्या है। 2B में आने के लिए रिटर्न डैशबोर्ड पे आ जाइएगा, वहां पे आपको जुलाई मंथ में, जुलाई 20 में मिल जाएगी ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट। तो जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है और उसका जो मेन बेनिफिट है ना, ये एक पीरियड के लिए कॉन्स्टेंट रहेगी। 2A में क्या होता है, 2A में जो डेटा होता है वो वेरी करता रहता है, जैसे आपका सप्लायर कोई मॉडिफिकेशन करता है ना अपनी रिटर्न के थ्रू, तो 2A का भी डेटा चेंज हो जाता है। ये मॉडिफाइड नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। दो ऑप्शंस हैं व्यू करने की और डाउनलोड करने की। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो JSON और एक्सेल में फाइल को डाउनलोड करने की ऑप्शन आएगी। चलो एक बार पहले व्यू करके देखते हैं, फिर डाउनलोड कर लेंगे। व्यू करते ही देखिए ये आ गई हमारे पास GSTR-2B, और जिस भी पर्टिकुलर मंथ की होगी, किस डेट को जनरेट हुई है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। नीचे के ऑप्शंस हैं, नीचे ऑप्शन है डाउनलोड करने की इसे PDF में, और डाउनलोड करने की डिटेल्स को एक्सेल में। अभी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगी, पहले समझ लेते हैं यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। दो चीजें हैं, समरी और ऑल द टेबल्स। तो सबसे पहले तो आपको समरी दिखाई जाएगी कि आपके 3B की किस टेबल में कौन सा अमाउंट, कौन सा टैक्स जाएगा। टैक्स वाइज हम बाइफर्केशन है, ये 3B की टेबल्स के नंबर हैं कि किस टेबल में ये डेटा चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से डेटा जाने वाला है आपके 3B में, ठीक है। इसके भी फिर समरी के भी दो पार्ट है, ITC अवेलेबल, तो जो ITC अवेलेबल है वो तो उन्होंने ग्रीन कलर में यहाँ दे रखा है, और ITC नॉट अवेलेबल पे आओगे तो ये रेड कर रखा है, मतलब ये ITC है बट आपको अवेलेबल नहीं है, तो वो भी यहाँ पे फर्दर बाइफर्केटेड है। पहले बात करते हैं अवेलेबल की, इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए है अवेलेबल ITC का, पार्ट बी है रिवर्सल का। तो ITC जो अवेलेबल है आपका, क्रेडिट में भी क्लेम्ड इन रिलीवेंट हेडिंग्स इन 3B, पहला है ऑल अदर ITC जो आपको मिल सकता है रजिस्टर पर्सन वाली सप्लाई से, या आपके टेबल 4A5 ऑफ 3B में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मैं आपको 3B की भी टेबल दिखा देती हूँ, ये है 3B की टेबल, टेबल यानी इसमें ऑल अदर ITC में ये अमाउंट ऑटोमेटिकली 2B से चला जाएगा। देन इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD, ये जाएगा टेबल 4A4 में, यहाँ पर इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD, ये 3B की टेबल 4 है। Then inward supply liable to reverse charge, ये दो जगह जाएगा, एक तो 3B की टेबल 4A3 में, ये देखिए यहाँ है ना 4A3, और साथ ही आपको इसका टैक्स भी पे करना होता है, तो 3B की 3.1D में भी ये चला जाएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का क्रेडिट 4A1 में, ठीक है। सर्विसेज का आपको खुद अवेल करना होगा 3B में। तो 2B से अब आपकी ये डिटेल्स 3B में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, जो ITC अवेलेबल होगा वो जाएगा, जो नॉट अवेलेबल होगा वो नहीं जाएगा। नॉट अवेलेबल किस तरह से बाइफर्केटेड है, ऑल अदर ITC और इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD एंड इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज, और पार्ट बी अदर कोई रिवर्सल है जो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ITC अवेलेबल में, फिर पार्ट बी में रिवर्सल, रिवर्सल अगर आपका अदर का है तो पार्ट 4B2 में जाएगा। टेबल 4B2 कौन सा है, अदर रिवर्सल अगर आप करते हो, ठीक है। तो ये तो है समरी, यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपैंड ऑल कर लेंगे, जैसे आप इसको एक्सपैंड ऑल करेंगे ना तो फर्दर इनकी बाइफर्केशन आ जाएगी। B2B इनवॉइस है, B2B डेबिट नोट है, B2B एमेंडेड है, B2B क्रेडिट, और जिसमें रिकॉर्ड नहीं होगा ना, देखिए आप जैसे ही कर्सर लेकर आएंगे तो ऑप्शन आएगी नो रिकॉर्ड्स, और जिसमें रिकॉर्ड होगा तो वहां पे क्लिक करने पर फर्दर आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट डिटेल और सप्लायर वाइज डिटेल मिल जाएगी, मतलब आप डिटेल पे चले जाओगे। बैक टू समरी करते हैं, डिटेल पे जाने के लिए आप ये ऑल टेबल्स का बटन भी यूज कर सकते हो, फिर से आप वही सप्लायर वाइज या डॉक्यूमेंट वाइज ऑल टेबल्स में
फर्दर आपके पास यहाँ पे टेबल्स हैं, यहाँ देखिए टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, अमेंडमेंट टू प्रीवियसली फिल्ड इनवॉइस बाय सप्लायर बी टू बी ए, डेबिट क्रेडिट नोट ओरिजिनल, अमेंडमेंट टू प्रीवियसली फिल्ड क्रेडिट डेबिट नोट बाय सप्लायर आईएसडी क्रेडिट, अमेंडमेंट आईएसडी क्रेडिट, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एससीजेड या डेवलपर ऑन बिल ऑफ एंट्री। तो इन सभी टेबल्स को डिटेल में जो भी आपका डेटा है देखने के ऑप्शन है, और यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल का भी बटन दिया। एक्सेल में डाउनलोड करने पर देखिए ऐसे आपके पास ये डेटा अवेलेबल हो रहा है, जिस भी टेबल का डेटा होगा बाइफर्केशंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और इनवॉइस नंबर पे जो ये एरो दिया है ना, इसको भी आप क्लिक करेंगे तो फर्दर आपके पास टैक्स की डिटेल निकल आएगी। तो ये तो डॉक्यूमेंट डिटेल आप देख रहे हो, सप्लायर वाइज डिटेल भी देख सकते हो। इस केस में अभी एक ही सप्लायर दिख रहा है, जितने भी सप्लायर होंगे आपके आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। समरी में चलते हैं, एक बार इनको भी डाउनलोड करके देख लेते हैं, पीडीएफ और एक्सेल को। डाउनलोड करते ही ये निकल आया फॉर्म 2B, ऑटो ड्राफ्टेड ऑटो जनरेटेड। तो इसमें आपको आईटीसी अवेलेबल की समरी दिखाई दे रही है, पहले सारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, रिवर्सल दिखाई देगा, ठीक है। और सारा यहाँ लिखा भी है कि कहाँ पे क्या चीज हिट करेगी, चलिए एक बार देख लेते हैं। अच्छा दिया है यहाँ, इफ दिस इज पॉजिटिव, तो अगर जो पहला पहला है ऑल अदर आईटीसी अगर ये पॉजिटिव है तो क्रेडिट आपको अवेलेबल होगा सीबी की टेबल 4A5 में, और नेगेटिव है तो रिवर्स होगा अंडर टेबल 4B2। ऐसे ही इनवर्स अप्लाई फ्रॉम आईएसडी भी पॉजिटिव है तो टेबल 4A4 में, नेगेटिव है तो रिवर्सल में चला जाएगा। ऐसे ही इनवर्स अप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये आपकी टेबल 3.1D में और 4A3 में चला जाएगा। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स अगर पॉजिटिव है तो 4A1 में, नेगेटिव है तो 4B2 में चला जाएगा। अदर आपका जो रिवर्सल है तो आप इसे क्रेडिट को रिवर्स कर सकोगे 4B2 में, और अगर नेगेटिव है दैट मीन्स यू रीक्लेम सब्जेक्ट टू रिवर्सल ऑफ सेम ऑन अर्लियर इंस्टेंस। तो यहाँ पे डिटेल भी लिखी है, इंपॉर्टेंट है, और नॉट अवेलेबल के लिए लिखा है ऑल अदर आईटीसी, सच क्रेडिट शेल नॉट बी टेकन इन फॉर्म 3B, इन क्रेडिट को आप 3B में नहीं ले सकते। ऐसे ही इनवर्ट फ्रॉम आईएसडी के लिए लिखा है, इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज के लिए लिखा है कि ये आपके 3.1D में आ जाएगा और इसका क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं है। आईटीसी रिवर्सल क्रेडिट शेल बी रिवर्स्ड अंडर 4B2 फॉर्म GSTR 3। पीडीएफ के बाद एक बार एक्सेल भी देख लेते हैं कैसा है। तो यहाँ मैंने एक्सेल फाइल डाउनलोड कर ली है फॉर्म 2B की। अब यहाँ पे सारा डेटा आ रहा है, वही समरी आ रही है, पहले तो आईटीसी अवेलेबल की समरी है, फिर से समरी आ गई एक्सेल में, आईटीसी नोट अवेलेबल, और फिर डिटेल आपको दिख रही है B2B, B2BA, B2BCDNR, B2BCDNRA, ISD एंड फर्दर आपको ISDA, IMP, इम्पोर्ट का और इम्पोर्ट फ्रॉम SCZ का, ये अलग अलग डिटेल दिख रही है एक्सेल में। तो एक्सेल में आपके साथ पास सारे का सारा डाटा आ जाएगा, आप इसमें इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिकंसिलेशंस के लिए। यहाँ पे एक व्यू एडवाइजरी की भी ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे ना आप तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा रिलेवेंट यहाँ पर पिक किया गया है। तो नॉर्मल टैक्स पेयर जो मंथली अपनी GSTR 1 फाइल करते हैं, उनकी GSTR 1 जो उन्होंने फाइल की है 12 जुलाई 2022 11 अगस्त 2020 उसके बेसिस पे डेटा यहाँ आया है, और क्वार्टरली वालों के केसेस पे भी जो उन्होंने GSTR 1 फाइल की है 12 जुलाई 2022 11 अगस्त 2020, रेजिडेंट टैक्स पेयर्स की GSTR 5 12 जुलाई 2 11 अगस्त, और ISD की भी सेम डेट। तो एक कॉन्स्टेंट डेट का डेटा 2B में हमेशा उठ के आएगा, व्यू एडवाइजरी पे क्लिक करोगे तो पीरियड पता चल जाएगा कौन से पीरियड तक का यहाँ पर डेटा कंसोल है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि GSTR 2B से डेटा आपके 3B में तो जाएगा, बट वो एडिटेबल होगा, आप अपनी एडिशनल डिटेल्स ऑन द बेसिस ऑफ 2A भी वहां पर फिल कर पाएंगे। ये इन्होंने पीडीएफ में लिख दिया है, जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट अभी हमने यहाँ ओपन किया हुआ है इसमें इन्होंने ये बात लिख दी है, और ये एक स्टैटिक स्टेटमेंट है, यानी ये बदलती नहीं रहेगी, फ्रीज रहेगी, वंस अ मंथ आपको अवेलेबल होगी वो सेम रहेगी, पर आप अपना रिकंसिलेशन पे 2A के बेसिस पे भी कर सकते हैं और एडिशनल डिटेल्स डाल सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीडीएफ डाउनलोड करके इंस्ट्रक्शंस एक बार सारी केयरफुली रीड कर लेना, काफी ज्यादा चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको सारी बता दी। तो ये है 2B, अब 3B में ऑटोमेटिकली 2B से डेटा ऑटोफिल होके जाएगा। कुछ लोग हमें कमेंट भी कर रहे थे टेलीग्राम पे कि कल क्या हुआ था कि 3B की टेबल नंबर 4 फ्रीज हो गई थी, उसको वो एडिट नहीं करने दे रहा था, तो शायद हो सकता है अभी 2B आ रही थी, जैसे आज ही आई है, तो उसकी वजह से ऐसा हुआ हो, आप एक बार फिर से अब चेक कर लेना अब क्या सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। और कोई भी आपको लग रहा हो कि डाउट है 2B की वजह से कहीं 3B में इम्पैक्ट आ गया है, तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना,
ठीक है, और मुझे टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वहां पे हम सभी डिटेल्स जल्दी से शेयर करते रहते हैं। जीएसटी की एनुअल रिटर्न ड्यू है 30 सितंबर को आपको भरनी है 18-19 फाइनेंशियल ईयर के लिए, और जीएसटी में आप जितनी गलतियां कम करें उतना ही अच्छा है। गलतियां हो गई हैं तो एनुअल रिटर्न लास्ट चांस है आपके पास रेक्टिफाई करने का। तो मैंने अभी एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट पे अपना सेशन निकाला था, वेबिनार निकाला था 23 अगस्त को। दैट वाज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर एवरी पार्टिसिपेंट, सभी को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हुई, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और सारा प्रैक्टिकल था सेशन। तो अभी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आप इसे बाय कर सकते हैं अगर आप अपनी एनुअल रिटर्न विदाउट एनी एरर फाइल करना चाहते हैं। साथ ही हमारा जीएसटी कोर्स अभी एक्टिव है, सेकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है इसका 5 सितंबर से। सीट हमने इंक्रीज कर रखी है इसीलिए अभी ये ओपन है, आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक सभी कोर्सेज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार पेज पे आके सभी चीजें पढ़िए, चेक करिए, अगर आपको रिलेवेंट लगता है तो आप इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही हमारा बैलेंस शीट कैसे बनती है ऑटोमेटिक ट्रायल से, वो कोर्स भी अवेलेबल है, इसे भी आप लिंक से बाय कर सकते हैं विच इज इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।